हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं लेना चाहिए। आप सब सोच रहे होंगे कि ये उल्टी बात कैसे कर रहे हैं। सब कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में बताया जा रहा है कि टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। आखिर क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है? फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, जिनको टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में हर साल आपको प्रीमियम जमा करना होता है, लेकिन वो आपको वापस नहीं मिलता है। सिर्फ कोई मिसहैपनिंग होने पर ही परिवार को सम एश्योर्ड यानी आपकी इंश्योरेंस का बीमा राशि मिलती है। फ्रेंड्स, शुरुआत में तो सभी टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि ये सस्ता भी होता है और इसमें प्रीमियम भी बहुत कम जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस एक बोझ लगने लगता है। पर उनके दिमाग में ये बात आती है, क्यों 15,000 से 20,000 रुपये हम जमा करें, क्योंकि वापस हमें रिटर्न तो मिलना ही नहीं है। और फिर कुछ सालों में ही हम टर्म इंश्योरेंस की किस्त भरना बंद कर देते हैं। हमारे टर्म इंश्योरेंस की हालत उस फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की तरह है जो होता तो हर ऑफिस में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे है, पर कहीं ना कहीं उसकी मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं देता। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का डाटा देखिए, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट टर्म इंश्योरेंस का ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जहाँ से रिटर्न की उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 2 महीने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आप घर का न्यूज़पेपर बंद करते हैं। जानते हैं कि आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे तो पैसे वेस्ट क्यों करने। इसी तरीके से जब भी आपके घर के खर्चे बढ़ने लगते हैं या आपके परिवार पर कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आता है तो सबसे पहले आप टर्म इंश्योरेंस को ही बंद करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई और इंश्योरेंस प्लान चलता है तो आप उसे रेगुलर चलाते हैं, उसे बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।